पाकिस्तान से चला टिड्डी दल राजस्थान में तबाही मचाने के बाद अब किसी भी वक्त हरियाणा में प्रवेश कर सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। इसी के चलते राजस्थान से सटे हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर रखी है। जिला प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया है, जिसमें कहा जा रहा है कि फतेहाबाद में टिड्डी दल का हमला हो सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उस दल को वहीं समाप्त कर दिया गया है, इसलिए फतेहाबाद में फिलहाल कोई टिड्डी दल के हमले की आशंका नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि चूंकि टिड्डी दल हवा के प्रवाह के साथ चलता है, इसलिए वे भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि टिड्डियां कई बड़े दल पाकिस्तान से होते हुए देश में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए गांव, मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद से मुनादी करवाई जा रही है। कृषि विभाग तो एक मैसेज मिला जी, साडे कमांडी राज राजस्थान दे विच टिड्डियां दा बहुत वड्डा प्रकोप हो चुका, ते इह प्रकोप अज रात नूं उन्हां नूं मैसेज मिला भी फतेहाबाद जिले दे विच भी बहुत वड्डा प्रकोप हो सकदा, जिहड़ियां कि असीं हुण फसलां बीज रखियां ने जिवें कि जमार, नरमा, अपनियां सब्जियां बीजियां होईयां ने, सानू इन्हां तों टिड्डी तों बहुत ज्यादा खतरा। पहलां साडे इह कणक दे विच भी बहुत भैड़ा हमला करके किसान दा बहुत नुकसान कर चुकी आ। नरमे की फसल बीज रखी है वो खेत बार मिट्टी बाहर निकल गई है, उसको भारी नुकसान होने की संभावना है। जैसे हमने हरा चारा बीज रखा है उसको भी काफी नुकसान हो सकता है। क्या चाहते हैं जी, हम तो सरकार कुछ करें हमारे लिए, किसानों के लिए। हमें पहले ये लॉकडाउन में किसान बहुत तरह बुरी तरह फंस गया, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, अब ये टिड्डी दल की मार होगी तो बहुत बुरा हालत हो जाएगी किसान की। टिड्डी दल के बारे में हमने ग्राम लेवल पर कमेटियाँ बना रखी हैं और हम इसका प्रचार कर रहे हैं, गाँव में बुनियादी करवाई जा रही है कि वे टिड्डी जब भी आ सकती है तो आते ही इसके लिए हमने क्या सावधानी करनी है, हमने इनको बैठने नहीं देना फसलों पे, इनको ड्रम, ढोल, नगाड़े बजा के इनको उड़ाना है, और जब यहाँ रात्रि में जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ पे हमने इनको सामूहिक रूप से प्रयास करके इन पर स्प्रे करके इसको नियंत्रण में करना है। जैसे कि अभी आपकी जो टिड्डी दल है कल हनुमानगढ़ ज़िले के आसपास इसको देखा गया था, और जब कल ये संभावना थी शायद ये फतेहाबाद के आसपास आ जाए हवा की डायरेक्शन को देखते हुए, लेकिन अभी हमने कल ही हमने वहाँ से रिपोर्ट ली थी कि उसको वहीं पर उसको नियंत्रित कर दिया गया है।